अभी हमारी जो मौजूदगी है आपको बता दें कि वो शरद मेला सह डिज्नीलैंड मेला के पास है। यह मेला रोहतास जिले के डेहरी होनसोन में लगाया गया है और यह शरद मेला के साथ साथ डिज्नीलैंड मेला है। यहाँ पर हम लोग अंदर चलेंगे और आपको देख सकते हैं बाहर से देखने में बेहद ही खूबसूरत नजारा लगता है, लेकिन अब अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि अब की बार इस मेले में क्या कुछ खास है और जो लोग दर्शक पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है, उनके भी बातों को हम सुनेंगे। चलते हैं और देखने का हम लोग प्रयास करते हैं कि इस मेले परिसर के अंदर कौन कौन सा अब की बार यूनिक सा जो चीज है आया हुआ है। तो जैसे ही आप मेले परिसर में इन करते हैं तो सबसे पहले आपको नजर आता है मिठाई का दुकान, तो जहाँ देख सकते हैं कि जलेबी और अन्य अन्य मिठाई का दुकान है। क्या नाम है भैया? सन्नासी। अरे बात बताइए कि आप मिठाई का दुकान लगाए हैं? हाँ जी। कौन कौन सा मिठाई यूनिक मिठाई है आपके यहाँ? मालपुआ मिलेगा, जलेबी मिलेगा, खस्ता गजा मिलेगा, चटपटा मिक्सचर मिलेगा। सब अपने आप ही बनाते हैं? यही बनता है, एकदम यही बनाते हैं, कहीं से मंगवाते नहीं है? नहीं, सब यही बना के तैयार करते हैं। हाँ जी। अच्छा, उचित मूल्य पर देते हैं जी? उचित मूल्य पर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो आप समझ सकते हैं कि मेला में आप आइए, घूमने भी आइए और आने के बाद खाने के लिए भी आप आइए। तो यहाँ पर जो लोग पहुँचे उनसे भी हम लोग लगातार बात करने का प्रयास करेंगे। और हाल जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं इस मेले परिसर में तो आप देख सकते हैं कि एक और आइसक्रीम का कहने की ढेला लगाया गया है, तो दूसरी एक और राजस्थानी। क्या राजस्थानी यहाँ पर? अचार वगैरह सब है। अचार मिलता है? हाँ। कौन कौन सा यूनिक अचार आपके यहाँ है? अचार हमारे पास सारा यूनिक ही है, लहसुन का है, आम का है, मिर्चा का है, यहाँ तक कि बांस का भी अचार है। बांस का मतलब? तो जो बड़ा बड़ा जो बांस होता है। हाँ, बांस उसका अचार। अच्छा, कैसे रेट चल रहा है यहाँ पर अचार? सारा अचार 280 रुपए किलो है, सिर्फ लहसुन का 100 रुपए, 250 ग्राम है। क्या है वो? नींबू का अचार है। नींबू का? ये वो भी नींबू है, ये अदरक का है, ओल का है। अदरक का, अरवल का, करेला का, मतलब लहसुन का, आम का, बांस का, नाना प्रकार का मतलब अचार दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा निकेत कुमार। ये राजस्थानी सब डिश है जी, सारा अचार। देख सकते हैं कि उसके साथ पापड़ और वगैरह वगैरह सारा लिस्ट वहाँ पर जरा दिखा दीजिएगा क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है। जो लोग घूमने आए उनसे बात करें। क्या नाम है? रिंटू। कहाँ से है रिंटू? पटना। पटना से आए हैं घूमने के लिए। वह कैसा लग रहा है मेला? मैं तो डेयरी उनसन से हूँ, मेरा दुकान है। अच्छा, यहाँ पर लगाए हुए हैं जी? किस चीज का दुकान लगाए? सिंगार स्टोर है। सिंगार स्टोर यहाँ पर लाकर लगाए हैं। चलिए, सिंगार स्टोर लगाए हुए हैं। आगे की ओर बढ़िएगा तो यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए जो है वो लगाया गया है। दूसरी ओर अगर देखिएगा तो कपड़ा का, जो अभी जाड़े का समय चल रहा है और यहाँ पर कपड़े का दुकान लगाया गया है। और आगे देखिए, एक भैया है, आप ही का दुकान है ये? जी, मेरा ही है। क्या नाम हुआ? MD त्याग। क्या क्या बेच रहे हैं आप बताइए? ये 3D पजल है बच्चों का। अच्छा, ये बबल्स गन है, देखिए इस तरह बबल्स निकलेगा। दिखाइए कैसे काम कर रहा है इनका बबल्स। ये बबल्स गम है, देखिए बच्चों का। अच्छा, माइंड गेम है, 3D पजल है बनाने का। ये क्या है? ये मैजिक स्प्रिंग है, इस टाइप खेलने का। देखिए दिखाइए हमारे दर्शन को। अच्छा, ऐसे काम करता है जी। बाकी एक से एक गेमिंग करने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। ये फिजल स्पिनर है इस टाइप का। हाँ, तो सब यहीं पर बेच रहे हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए। तो आप समझ सकते हैं एक से बढ़कर एक यहाँ पर बच्चों का जो खेलने का समझ सकते हैं जो सामान है वो यहाँ पर लेकर आया गया है और इनके द्वारा बेचा जा रहा है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि मोबाइल से जुड़े इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको बेचा जा रहा है। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? दीपक कुमार। क्या क्या बेच रहे हैं दीपक जी? इलेक्ट्रिक सामान सब बेच रहे हैं। इलेक्ट्रिक सामान बेच रहे हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो है चीजों को यह बेच रहे हैं, घर से जुड़े हुए चीज और जुड़े हुए चीजों को बेच रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं का जो श्रृंगार का सामान है वो बेचा जा रहा है। तो नाना प्रकार से यहाँ पर आप एक और देख सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं पूरी तौर पर घर की खरीदारी करना हो, खाना का काम हो, यानी एक से बढ़कर एक यहाँ पर दुकान और हर एक चीज से जुड़े हुए चीजों को सजाया गया है, लाया गया है। और आइए, यहाँ पर कुछ और यूनिक सा चीज हमें लग रहा है। क्या कुछ हो रहा है भैया यहाँ पर? ये 100 रुपए का कूपन है सर। अच्छा, 100 रुपए का कूपन है जी। क्या होगा इसे? इसको स्क्रैच करना है। अच्छा, अगर कुछ नहीं निकलेगा तो 100 का आपको 400 नगद इनाम मिलेगा। यानी एक बात बताइए कि हमने 100 रुपया आपको दिया, आपने इस टिकट को हमको दिया, इस टिकटवा को हमने खरोचा, अगर इसमें से इतना में से कोई सामान अगर निकल गया तो 249 देकर ले जाइए, अगर नहीं कुछ निकलेगा तो 100 का हम आपको 400 नगद वापस कर देंगे। यानी यह कहना है कि अगर इसमें से अगर कुछ अगर नहीं निकला
तो हम आपको 400 देंगे, यानी आप 400 रुपए दीजिएगा और निकल जाएगा तो चीज 249 देकर ले जाइए। मतलब 100 रुपए पहले और 249 मानी माना जाए तो लगभग 350 रुपए देना पड़ेगा इसमें से किसी भी चीज को लेने के लिए, जो 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 भी इसमें पड़ जाए जी। मोबाइल टीवी कुछ अब देख रहे हैं कैसा है ये गेम। 100 का टिकट है, स्केच कीजिए, खाली जाएगा तो आपको 400 रुपया नगद मिलेगा। मोबाइल टीवी सिलामसी डिनर इंडक्शन गैस चूल्हा कुकर जो भी सामान फंस गया, सामान निकलने पर 249 देकर ले जाइए। अगर कुछ नहीं निकलेगा तो 100 का आपको 400 मिलेगा सर। लेकिन अगर हमको नहीं लेना होगा 100 के बाद तब नहीं लेना, 100 रुपए जाएगा सर। 100 रुपए जाएगा। खेलना चाहते हैं क्या ये गेम? जी समझ रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं, आपको भी खेलना है क्या ये वाला गेम? समझे इसके बारे में कोई? समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग हैं वो आए हैं और लगातार देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाजार में एक से बढ़कर एक यहाँ पर भीड़ लग चुका है। और देखिए एक और चाचा जी हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो लगातार जो लोग हैं वहाँ पर अपना अपना लगाए हुए हैं। चाचा आपका है ये आपका? देखिए एक जगह पूरा केक का केक सजा दिया है लोग, गजब गजब यहाँ पर मेला लगाया गया है भाई। आगे आइएगा तो बहुत ही दूरी में आप आ सकते हैं, इसका लुत्फ उठा सकते हैं, जहाँ खेलने से लेकर खाने से लेकर अन्य चीजों का यहाँ पर व्यवस्था जो है वो किया गया है। डेहरी ऑनसोन में यह शरद मेला लगा हुआ है मेला में, और शरद मेला में आपको बता दें कि जो महिलाएं हैं वो भी खरीदारी कर रहे हैं। कहाँ से आई है चाची? कहाँ से आई है? डेहरी बाजार से। डेहरी से घूमने के लिए आई है। मेला कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो चरखा उरखा भी घूमी आप लोग? अभी नहीं, बाजार अभी किए हैं। घूमना है? हाँ घूमना है। आप उसको पहले खरीदारी कर रही है? हाँ। तो कहीं ना कहीं बढ़िया लग रहा है, एक साथ खाने का पीने का और साथ साथ घूमने और सारा सामान का एक जगह मिल जा रहा है एक ही मेला में। चलिए कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को इस मेले का इंतजार रहता है। और एक और चाचा है गजब के, यहाँ पर दुकान लगा बैठे हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम राजू कुमार है। राजू क्या क्या बेच रहे हैं आप? स्टील का सब किचन का आइटम, किचन टोटल किचन का आइटम बेच रहे हैं। अच्छा तो आप समझ सकते हैं कि सस्ते दर पर यहाँ पर राजू जी किचन से संबंधित रिलेटेड जो भी सामान है उसे बेच रहे हैं। और एक और भाई है, गजब लगता है कि पूरा श्रृंगार और महिलाओं के लिए जो सामान होता है आभूषणों का लगा दिए। क्या नाम है भैया? अफरोज। क्या क्या बेच रहे हैं आप? सब श्रृंगार का आइटम है, बाल का हो गया, कान का इयररिंग हो गया। अच्छा इधर चूड़ी वूड़ी सब लगा दी है ना? जयपुरी चूड़ी है सर इधर। अच्छा सब जयपुरी चूड़ी है जी। चलिए तो समझ सकते हैं लोग जो है, जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं और जो भी उनका आइटम है घर। और एक यूनिक चीज देखिए यहाँ पर गजब तरीके से इन्होंने लगाया है। क्या कुछ नाम है भैया? क्या नाम है? प्रेम तिवारी। प्रेम जी एक बात बताइए, क्या कुछ बनाया है आपने, क्या कुछ दे रहे हैं आप? ये देखिए आप, राम मंदिर आ जाएगा। अच्छा समझ सकते हैं यहाँ पर राम मंदिर का जो मॉडल सेट है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। और दिखाइएगा हमारे दर्शकों को राम मंदिर का, आप यहाँ से मॉडल सेट यहाँ से ले सकते हैं। और आगे क्या कुछ दे रहे हैं भैया? और आपको फ्रेम के ऊपर नाम लिखा जाएगा, जो नाम बोलेगा। अच्छा फ्रेम के ऊपर अगर कोई नाम लिखवाना हो तो आप यहाँ पर आकर के नाम लिखवा सकते हैं। ये राम मंदिर का मॉडल कितना का आ रहा है बताइए? 450 का भैया, 450। अच्छा 450 का आ रहा है। और राम मंदिर का ये मॉडल है, मॉडल सेट है, दिखाने के लिए बोल दीजिए। ये देखिए आप, ये मिल जाएगा आपको घर में सजाने के लिए, टेबल पर, अलमारी के ऊपर, फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं इसको आप। अच्छा जी। आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आने के बाद प्रेम तिवारी जी के द्वारा आप यहाँ पर राम मंदिर का मॉडल सेट भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नाना प्रकार के अन्य चीज, अच्छा यानी मोबाइल के साथ साथ चाबी रखने का भी की हैंगर, उसमें नाम लिखा हुआ, भगवान का नाम लिखा हुआ अंकित, ये सारी चीजें आपको एक ही साथ यहाँ पर मिल रही है शरद मेला में। तो चलिए अभी कब तक रहना है यहाँ पर हम लोग का? अभी 20 फरवरी तक। 20 फरवरी तक यहाँ पर मेला आप जमा रखा गया। चलिए 20 फरवरी तक इनका जो मेला है, मेला में आए घूमने भैया, कैसा लग रहा है? क्या बताइए भैया? बिहार ऑन न्यूज। चलिए हाँ तो लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग आए हैं और हम लोग चलेंगे। एक और यूनिक सा चीज हमें मिल गया, चलिए इन्हें भी दिखाते हैं। एक और भैया जी है, क्या नाम है आपका? नसीम अहमद है सर। नसीम अभी क्या क्या बेच रहे हैं बताइए सर? वुडन आइटम है सब तरह का, छोटा बड़ा आइटम। यह क्या है इसको दिखाइए मतलब? ये भैया ऐसा होता है आपका पैर का मसाज के लिए। अच्छा जिस के लिए? अच्छा जिस व्यक्ति को मसाज करना पड़ेगा, मतलब एक प्रकृति के का ये मतलब घूमने फिरने वाला चीज है गजब, मतलब है। अच्छा छोटा ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रखता है आपका। अच्छा और ये कहाँ कहाँ का मॉडल मंगाया है आपने? केदारनाथ का है सर मंदिर। केदारनाथ का मॉडल है, कितना कितना का मॉडल है ये सर? बड़ा वाला 200 का है, छोटा 100 रुपए का। अच्छा छोटा छोटा भी मॉडल मंगा कर केदारनाथ का रखे हुए हैं। अन्य सारी चीज आप दिखा सकते हैं, घर में रखने वाले सब चीजें हैं जी सर। ये फ्लावर पॉट आ गया, गुलदस्ता सजाने के लिए का है। हां जी। और वो सब लालटेन कैसा है ये सर? लाइट लैंप आता है, ये बढ़ता भी है, जलता भी है, लाइट से जलता है। देखिए कितना का है वो? ये 400 का है सर। आप समझ सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो घर में यूनिक, ये क्या है भैया?
चूड़ी का स्टैंड है महिलाओं के लिए, तो लकड़ी से बना हुआ एक से बढ़कर एक स्टैंड है। छोटे छोटे जो झूमर होते हैं घर में लगाने वाले, सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। मेला में पहुंचिएगा तो एक से बढ़कर एक चीज हमने दिखाया, और एक और धार्मिक चीजें भी बिक रही हैं। एक बाबा हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? प्रेम पांडे नाम है मेरा। अच्छा, वो मूर्ति दिखाइए, भगवान नटराज की मूर्ति दिखाइए जो बड़ा वाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक। अच्छा, कौन भगवान है ये? नटराज भगवान है। इसको इनको घर में लगा कर विष्णु के रूप में इनकी पूजा की जाती है, और इसे लक्ष्मी की वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति आता है। एक से एक बढ़कर आपने मूर्तियां रखी है भगवान। ये वास्तु दोष की दुकान है। हमारे यहाँ ऐसी कुछ सामग्रियां हैं जिससे घर के सारी वास्तु दोष की समाधान मिलती है। कुंडली हस्तरेखा भी देखा जाता है यहाँ। यहाँ पर ऊंच से ऊंच कोटि की पत्थर भी यहाँ उपलब्ध है। अच्छा, कौन कौन सा पत्थर है आप वहाँ पर रख दीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक से बढ़कर एक जो पत्थर है यहाँ पर लाए गए हैं। इन पत्थरों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ कौन कौन से पत्थर हैं, और यहाँ पर जो बेच रहे से जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन से पत्थर है, जरा बताइए मेरे दोस्तों को। पत्थर तो ये डेमो लगा हुआ है हमारे यहाँ, वर्मा मानिक मिलेगा, सिलोनी पुखराज, नीलम, राहु के लिए गोमेद। अक्सर आजकल रुद्राक्ष भी यहाँ पर बेच रहे हैं। और यह क्या है? ये एकांशी नारियल है जो व्यवसाय के लिए रखा जाता है, दुर्लभ नारियल है, करोड़ों में एक आध पीस निकलता है। अच्छा, यह वाला नारियल नारियल है, एकांशी नारियल है, और एक से बढ़कर एक यहाँ पर चीजें और सेटअप लगाए गए हैं। और इधर देख सकते हैं वास्तु से, वास्तु के हिसाब से यहाँ पर बनाए गए फोटो और फ्रेम है जो अपने अपने घर में रखना चाहिए। नहीं बाबा, चलो ठीक है। डेयरी के शरद मेला में, और यहाँ मेला में घूमने के लिए जो है महिलाएं अपने अपने घर से निकल कर आ रही हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाची आपका? बताइए चाची, आज घूमने के लिए आई है मेला, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक साथ ही सारी चीजें नजर आ रही है ना, घूमने का, खाने का और घर में ले जाने का। तो कुछ खरीदा है कि नहीं अभी तक? अभी तक मैं नहीं खरीदा हूँ। अच्छा, अच्छा लग रहा है, खरीदना है? हाँ, सोच रहे हैं। अच्छा, अभी खरीदी है कुछ? आपने तो भी ले लिया है? एक स्वेटर लिए हैं, गुडाली लिए हैं बाबू, और लेंगे, और लेंगे घूम घूम के। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, मजा लगता है। साल भर पे एक बार घूमने को मिलता है कहीं ना कहीं। हाँ, साल में। समझ सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार खरीदारी करने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और पूरा जो मेला है बृहद ही बड़ा क्षेत्र फैला हुआ। एक और भाई मिल गए, क्या लगा दिया है आपने भाई जी? अच्छा, आपका नहीं है, चलिए इनका नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पर गेम एक भाई खिला रहे हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कौन सा गेम है आपका। कौन सा गेम है? 12 छत्तीस। कैसे होता है, कैसे काम करता है? 6 बॉल मिलेगा आपको, रेड लाइन से। अब बॉल पैसा दीजिए, दिखाइए, आपको दिखाना चाहते हैं भाई। 6 बॉल मिलेगा आपको, ठीक है? 6 बॉल आपको मिल जाएंगे, रेड लाइन से छोड़िएगा। 6 बॉल दो दो नंबर में जाएगा ना, सबको ऐड करेंगे, ऐड करके प्राइज वाले नंबर से मैच होगा तो आपको एक प्राइज मिलेगा, नहीं तो नहीं मैच होगा तो प्राइज नहीं मिलेगा, खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। कितना रुपए देना पड़ेगा? एक बार का 30 रुपए। यानी आप 30 रुपए में 6 बॉल लीजिए, बड़ा बड़ा इनाम ले सकते हैं 30 रुपए में। और यहाँ पर ऐसे बॉल को इसे छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद जो है आपका सारा बॉलों का एक नंबर काउंट होगा। काउंटिंग नंबर के बाद जो इसमें से नंबर आएगा, जरा दिखाइएगा, इसमें से जो नंबर आएगा वो चीज आपकी हो जाएगी। तो चलिए, अगर इस गेम को आप खेलना चाहते हैं तो आ सकते हैं शरद मेला में, और शरद मेला में आकर के आप यहाँ पर गेम खेल सकते हैं। और आते हैं दूसरी और गेम की ओर। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? अफसर। अफसर बताओ यार, कैसे खिलाते हो गेम बताओ? ये 30 का 6 बॉल है। अच्छा, गोल है ये 30 का 6 रिंग ले लेना है, आगे क्या करेंगे? उसमें फंसाना है। अच्छा, 30 का 6, जो फंस गया वो आपका, मतलब 30 का 6 रिंग ले लीजिए और इसके बाद हटिए और ऐसे इसको फंसा दीजिए। अच्छा, उसके बाद उसमें से जो चीज आएगा वो आपका होगा, इसको वो चीज आपका हो जाएगा। तो 30 रुपया में आगे से देख सकते हैं कि वहाँ पर 30 की जगह अगर 50 का नोट पड़ा जाता है तो भी आपका हो जाएगा, या अन्य चीजें रखी हुई हो वो भी आपकी हो सकती है। तो चलिए, इस गेम को अगर खेलना चाहते हैं तो आप आ जाइए, और आने के बाद यहाँ पर आप भी खेल सकते हैं। एक और मनोरंजन ही मनोरंजन में आते हैं, क्या खिला रहे हैं आप? हम खिला रहे वॉलीबॉल। कैसे वॉलीबॉल खेलना है? 20 का 1 बार है, 5 गिलास गिराना होगा, 1 इनाम फ्री मिलेगा। यानी मतलब 20 का ही बॉल ले लेना है, और उसके बाद जो यहाँ पर गिलास है वहाँ पर दिखाइएगा, उस गिलास को मार के सारा गिलास नीचे गिरा देना है, 1 इनाम फ्री मिलेगा। यानी इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं। आप चूज करिएगा, हम चूज करेंगे। तो कभी ऐसा होता है गिर जाता है सारा गिलास एक बार में? हाँ, गिर जाता है। अच्छा, एक बार में सारा गिलास गिर जाता है नीचे? तो भाई तुमने मार्बल लगा रखा है, बड़ा भारी होगा।
भाई तो भी है नहीं, यही कंपटीशन टफ है। नहीं आप खेलना चाहते हैं ये वाला गेम? खेलना चाहते हैं लेकिन इसका बात समझ में नहीं आ रहा। बात समझ में आ रहा है कि 20 में जो है ना बॉलवा ले लीजिए और पांचवे गिले सब को मार के गिरा देना है उसमें से नीचे। बाड़ी कोता दादा आमो बिहार जानी टकल भी ना बाप रे। कौन सा भाषा बोल रहे हैं आप? बंगाली बोल रहे हैं। कहाँ से आए हैं? बंगाल से आए हैं। वही बंगाल से मेला देखने के लिए आ गए हैं भाई। गजब है। और आप समझ सकते हैं कि अगले गेम की ओर चलते हैं। एक भाई और खिला रहे हैं। क्या खिला रहे हैं जी आप? फायरिंग सिखा रहे हैं। समझ सकते हैं यहाँ पर फायरिंग हो रहा है। कितना में एक बॉल है? कितना दे रहे हैं बॉल मारने के लिए? कैसे दे रहे हैं? कितना में दे रहे हैं बॉल मारने के लिए? 50 का 10। 50 का 10 यानी आपको हम इनको 50 रुपया दीजिएगा उधर देखिए तो यह 10 गोली देंगे। उसके बाद आप मार सकते हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ पर बंदूक है और आपको आपको भी फायरिंग सीखना है तो यहाँ पर आकर सीख सकते हैं। शरद मेला में सभी दुकानों को देखने के बाद आपको बता दें कि आप यहाँ पर बड़े से इस चरखे को देख सकते हैं, टोरा टोरा को देख सकते हैं, ड्रैगन को देख सकते हैं और एक से बड़ी एक झूले हैं यहाँ पर लगाई गई हैं और लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि मेरी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ा सा झूला शरद मेला में लाया गया है और एक यूनिक सा चीज आपको बता दें कि झूले के साथ टोरा टोरा लाया गया है और यहाँ पर एक सेल्फी स्टैंड भी लाया गया है। ये कैसे काम करता है आप देख सकते हैं। आजकल बेहद ही प्रचलन में है यह। राठी भैया क्या नाम है इसका जानते हैं? कौन चला रहा है इसको? क्या नाम है इसका? सेल्फी। सेल्फी नाम है इसका। कितना लेते हैं बच्चों को घुमाने के लिए? बच्चों का पैसा नहीं लगता है। अच्छा जिसको बनाना होगा तो अपना कितना लगता है? एक आदमी का 40 रुपया चार्ज। 40 रुपया चार्ज है मतलब इसके ऊपर चढ़ जाना है अपने से राउंड करेगा? जी राउंड वो नहीं राउंड ये करता है। अच्छा राउंड एक करता है वहीं पर रहिएगा। वीडियो देखिएगा तो लगेगा कि वही वीडियो। इसमें है वीडियो कोई? तो सुनिए हम चाहेंगे कि थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिए। ये जो सेल्फी है यहाँ पर आया हुआ है और यह लगभग आपसे 50 रुपए लेते हैं और उसके बाद 40 रुपए उसके बाद यहाँ पर आपको घूमने का मौका देते हैं। अभी इनको आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा देते हैं। उनका उन्हीं के मोबाइल से बनाते हैं अपने मोबाइल से? नहीं उन्हीं के मोबाइल से। उन्हीं के मोबाइल से आप देख सकते हैं कैसे बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जिसको सेल्फी खिंचवाना है और बनवाना है वो भी यहाँ पर आ सकता है। सबसे बड़ा चीज आप देख सकते हैं ब्रेक डांस और अच्छा तो यहाँ के लिए न्यू आइटम है। और देखिए सबसे बड़ा जो झूला आप देख सकते हैं यहाँ के लिए। आप देख सकते हैं बच्चों के मनोरंजन के लिए वाटर पार्क बना दिया गया है और बच्चा सब इसमें अपना जो नाव है उसे तैरा रहा है। बहुत ही अच्छा अच्छा सीन आप देख सकते हैं। एक और वहाँ पर ट्रेन चल रहा है रेलवे गाड़ी और दूसरी ओर यहाँ पर ड्रैगन कार। सारी चीजें यहाँ पर लाई गई हैं और बड़े बड़े झूलों के साथ यहाँ पर शरद मेला का संचालन किया जा रहा है। हैं और इस मेला का आयोजन करता आप ही हैं। यह कैसे कार्य? हमने तो अंदर गया और कहीं ना कहीं यहाँ पर खाने के साथ साथ घूमने के साथ साथ मनोरंजन और घर का सामान खर्च सारा चीज का व्यवस्था है भैया जी। ये कब से कब तक यह मेला है यहाँ पर? अभी कितना दिन तक ये मेला? हमारा 26 फरवरी तक रहेगा और मैं सभी डेहरी वासियों से निवेदन करता हूँ या हमारे डिहरी शहर के अगल बगल जो भी गांव है माता बहनों से निवेदन करता हूं कि जो माँ बहनें गांव से आकर के और मेले का एंजॉय करके मेला घूम करके समय से अपने घर पहुंच जाएं उनसे भी निवेदन करता हूं और शहर वासियों से भी निवेदन करता हूं कि एक बार डिज्नीलैंड मेला जरूर घूमें अपने बच्चे और पूरे परिवार के साथ। अच्छा अपने बच्चे और परिवार के साथ आइए यहाँ पर। यहाँ पर खाने से लेकर के घुमाने से लेकर के घर ले जाने तक की व्यवस्था की? जी जी जी। आपने कुछ फीम यहाँ पर कटौती भी की गई शुल्क में? हमने सर जो हमारा गेट एंट्री है ना उसमें भी हमने 50% कटौती किया है। 20 रुपए का टिकट को हमने 10 रुपए कर दिया है
और हमारे जो झूले हैं, जो बड़े झूले हैं, उनका प्राइस था 70 रुपये, उसको हम लोग 50 रुपये कर दिए हैं। और जो बच्चों के लिए छोटे झूले हैं, उनका प्राइस था 60 रुपये, उसको हम लोग 40 रुपये कर दिए हैं, ताकि हमारे शहर के हर वर्ग के लोग इस मेला का आनंद उठा सके। इसलिए हम लोग उस दृष्टि को देखते हुए मेले का जो प्राइस है उसको हम लोग डिस्काउंट किए हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, हर लोग यहाँ पर आ सके, घूम सके, इसका लुत्फ उठा सके, उनके लिए यहाँ पर अब की बार इनके द्वारा कटौती भी की गई है। तो चलिए, आप भी आइए इस शरद मेला सर डिज्नीलैंड मेला में और लुत्फ उठाइए। फिलहाल इस वीडियो को देखकर आप क्या कुछ करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।